सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बाय टेक टेक। और आप सोच रहे होगे कि मैं आज अपने बुलेट्स कान में लगा के क्यों बात कर रहा हूँ, तो आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं, इसलिए आज हम इसे अपनी वीडियो के अंदर लेके आए। और जो आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही है, ये भी इन्हीं से सुनाई दे रही है, इसकी सबसे अच्छी बात ये है। और आज हम बात करने वाले इसके प्रोज की और कॉन्स की, क्या क्या चीज़ें मुझे इसके अंदर अच्छी देखने को मिली, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर बेकार मुझे लगी, और उसी के साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि आपको इसे परचेज करना चाहिए, क्या ये वर्थ इट होगा परचेज करने के लिए। तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बताया जाए, प्रोज बताएं या कॉन्स बताएं? चलो वीडियो शुरू हो रही है तो क्यों ना प्रोज ही बताया जाए। तो अगर इसके प्रोज की बात करी जाए, तो सबसे पहला जो किसी बंदे को मैटर करता है किसी भी ईयरफोन के अंदर, वो है इसकी साउंड क्वालिटी। तो अगर इसकी साउंड क्वालिटी की बात करूं, तो भाई मुझे इसके अंदर कोई भी कमी देखने को नहीं मिली। और जैसा कि इसका नाम है बेस एडिशन, तो हाँ इसके अंदर आपको भर भर के बेस देखने को मिलने वाला है। बेस में आपको कहीं पर भी कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी। तो बेस हो गया, फिर मतलब बेसिकली साउंड क्वालिटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर अगर मैं इसकी बात करूं बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी भी प्रॉपर है। और अभी तक मैंने इसे कई बार, तो मैं इसे पहन के सो भी जाता हूं, और ये मेरे बस का पता ही है, बंदा पहन के सो गया है तो बंदा मुड़ेगा, ये होगा, करवट बदलेगा, तो भी इसमें मेरे को अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई। उसी के साथ साथ अब बिल्ड क्वालिटी हो गई। बटन का वैसे मैं ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, तो बटन के बारे में मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि बटन मैंने शायद जस्ट 2-3 बार ही यूज़ किया होगा, इससे ज़्यादा मैंने बटन यूज़ नहीं किए। बाकी बात करें इसके बाकी मैकेनिज्म की, जैसे अगर मैं इसे टच कर दूंगा यानी मैग्नेट्स को अटैच कर दूंगा, तो ऑब्वियसली बात है साउंड बंद हो जाएगा, तो आपको मेरा साउंड नहीं आएगा, इसलिए मैं इसे बंद कर नहीं रहा, इसको एक पॉकेट में डाल देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। और बाकी चीज़ों की अगर हम बात करें इसके अंदर साउंड क्वालिटी की, इसके अंदर आपको साउंड क्वालिटी तो हो चुका है हमारा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि जब मैं कॉल करता हूँ तो वहाँ पर कैसी क्वालिटी आपको देखने को मिलती है, तो उसका एक्सपीरियंस आपको मिल ही रहा होगा, क्योंकि ये पूरी वीडियो इन बुलेट से ही रिकॉर्ड होने वाली है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसके अंदर आपको कैसी साउंड क्वालिटी मिल रही होगी, या फिर कॉल क्वालिटी भी आप कह सकते हो। अब ये तो हो गई इसके कुछ फायदे, जो चीज़ें मुझे इसके अंदर सही देखने को मिली, और बाकी तो आपको पता ही है, हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई रखी है कि वहाँ पर भी हमने सारी इसकी स्पेसिफिकेशन बताई थी। और इसके अंदर आपको 1 साल की वारंटी भी देखने को मिलती है, वो सारी चीज़ें कवर कर ही देती है हमने उस वाली वीडियो में। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की, यानी इसके अंदर मुझे क्या कमी देखने को मिली। सबसे जो पहली कमी इसके अंदर मुझे देखने को मिली ना, वो ये थी कि जो इसका चार्जर है, यानी यहाँ पर जहाँ से ये चार्ज होता है, जो चार्जिंग का पोर्ट है, यहाँ पर इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर ये कवर होता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि अभी अगर ये कवर नहीं है, ये ओपन है, तो यहाँ पर धूल मिट्टी जा सकती है, ये दिक्कत होगी यहाँ पर, पहला जो डस्ट वगैरह इकट्ठी हो जाएगी। सेकेंड जो यहाँ पर प्रॉब्लम है वो ये है कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम कैसे आ गई, क्योंकि ये बड़ी दिक्कत है। तो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम का ये सीन है कि अगर आपके पास वन प्लस का फ़ोन है, तो ये आपके पास, यानी आपके फ़ोन से सीमलेसली कनेक्ट होने वाले हैं। बट अगर आपके पास वन प्लस का फ़ोन नहीं है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिलने वाली है पेयरिंग के साथ। तो होगा क्या, बेसिकली जब आप इन मैग्नेट्स को डिटैच करोगे, तो यहाँ पर तो आपका तो मतलब आपके जो बुलेट्स हैं इनका तो ये ब्लूटूथ ऑन हो चुका है, और आपके फ़ोन का भी आपने ब्लूटूथ ऑन कर रखा होगा, पर पेयरिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कभी कभार कनेक्ट नहीं होगा, कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसमें लगभग आप ये कह लो आपको कम से कम 2-3 बार या फिर 1-2 मिनट आपको पेयरिंग में अपने वेस्ट करने पड़ेंगे। और उस 1-2 मिनट की पेयरिंग के बाद जब एक बार पेयर हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और ये चीज़ मुझे सिर्फ फ़ोन के साथ आई, क्योंकि मैं दूसरा फ़ोन यूज़ कर रहा था, मेरे पास वन प्लस का फ़ोन नहीं है, तो मैं दूसरा फ़ोन यूज़ कर रहा था, तो वहाँ पर मुझे ये दिक्कत देखने को मिली। बट हाँ, जब मैंने इसे अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया, तो वहाँ पर मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं, बस जस्ट ओपन करो लैपटॉप के साथ इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाता है विद इन 1 सेकेंड। और मे बी इसका रीज़न ये है कि शायद वन प्लस के हमारे पास लैपटॉप नहीं है, तो अब इन्होंने पता नहीं कस्टमाइजेशन किस तरीके से करी है या क्या है, इसका रीज़न मुझे नहीं पता। पर हाँ, ये अदर अप्लायंस के साथ बड़ी जल्दी कनेक्ट हो जा रहा है, पर अगर जब बात आती है मोबाइल की, अगर वो वन प्लस का नहीं है, तो वहाँ पर हमें थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलती है। और अगर बात करें इसके बैटरी बैकअप की, तो भाई बैटरी बैकअप का यही हिसाब है कि मैंने अभी तक इसे जितनी बार भी यूज़ किया है, तो कभी भी मुझे ये दिक्कत नहीं आई कि हाँ यहाँ से आवाज़ आ रही हो कि बैटरी लो है, या फिर बैटरी लो की प्रॉब्लम की वजह से मुझे इसे चार्ज पे लगाना पड़ा हूँ। चाहे मैंने इसे 4 घंटे लगातार यूज़ किया, चाहे मैंने इसे 6 घंटे लगातार यूज़ किया, पर बैटरी प्रॉब्लम की वजह से कभी मैंने इसे वापस चार्ज पे नहीं लगाया। मेरा काम पूरा हो गया, उसके बाद अगर मुझे लगता है इसे चार्ज पे लगाना चाहिए, तो मैं इसे चार्ज पे लगा लेता हूँ। बाकी हाँ, मैंने कभी ये चीज़ चेक नहीं करी कि ये पूरा प्रॉपर कब बैटरी इसकी ख़त्म हो रही है, पर इतना मैं श्योर करता हूँ, क्योंकि कोई बंदा ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर लगा के रखेगा अपने कान में, 6 घंटे, और 6 घंटे तक तो शायद मैंने यूज़ करके देख लिया था, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलने वाली। और वैसे भी 10 मिनट में 10 घंटे का बैटरी बैकअप यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है, तो वहाँ पर आपको श्योर हो जाओ, वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब बात आती है रिकमेंडेशन की,
क्या मुझे ही रिकमेंड करना चाहिए? तो ऑफकोर्स, क्योंकि और अगर आपके पास वन प्लस का फोन है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और 2000 के प्राइस सेगमेंट के अंदर ये वन ऑफ द बेस्ट आपको ब्लूटूथ ईयरफोन देखने को मिल जाते हैं, और मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेबल होंगे। तो अगर आप चाहो तो आप इन्हें परचेज कर सकते हो, और इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप वहां से जाके इसे परचेज कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे।